नहीं कि ये एक हमारा एक दूसरे के ऊपर भरोसा कायम हुआ। हमको जब भी कोई जरूरत पड़ी या हमको कोई बात कहनी थी आपके लाखों कार्यकर्ताओं से, हमने एक फोन डॉक्टर साहब को किया या प्रेसिडेंट साहब को किया या किसी से बात नहीं हुई तो वो बात आपने पूरी जगह में करने की और उसका पालन हो। सबसे बड़ा मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ मंच पर बैठे हुए सभी महानुभावों का कि आपने उस मीटिंग में जो मंच से वहां से स्टेज से सबको बोला कि हम डीजे का सपोर्ट नहीं करते या किसी किस्म की गणेश की भक्ति भावना से आप आइए उसमें आप कोई जो है उल्टी सीधे फिल्मी गाने लगाना इस सबको हम सपोर्ट नहीं करते, उसका इतना बढ़िया इम्पैक्ट हुआ। फिल्मी गाने को डॉक्टर साहब फिल्मी लगे कोई बात नहीं, यूथ है चलता है, लेकिन बाई एंड लार्ज उन सबको मालूम था कि उत्सव समिति क्या चाहती है किस मामले को लेकर। और वैसा ही मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी हमारे ऊपर भरोसा लगा होगा कि कहीं से भी कोई भी आप फोन करें तो उसका हमने जितना जल्दी हो सके, कई बार हमने आपने देखे होंगे कि जहां पे डॉक्टर साहब हैं या किसी और हमारे जो ऑफिस बीरर हैं जो पदाधिकारी हैं उन्होंने फोन किया तो जब आधे घंटे में दोबारा फोन किया तब तक वहां पे कोई एसीपी साहब या इंस्पेक्टर साहब पहुंच चुके थे और ज्यादातर समस्याओं का इसी तरीके से समाधान किया। एक मुझे ये भी याद आता है जो भी सलाह आप लोग दी जैसे कि पानी के बारे में आपने कहा कि पानी का अभी शुरू होना चाहिए या एलिमिनेशन शुरू होना चाहिए, बीच बीच में लगातार आप लोगों से फीडबैक मिल रहा था और सबसे बड़ा आप लोगों को सहयोग करने के लिए धन्यवाद जाता है। दूसरा धन्यवाद हैदराबाद की पूरी जनता को करता है, हमारी जो एक बेशकीमती धरोहर है ये हैदराबाद एक मिनी इंडिया है, जैसे मिनी इंडिया में एक बगीचा है गुलशन है जिसमें सब तरह के फूल है ऐसे ही हमारे हैदराबाद में और सब ऐसे रीजन के जब कोई भी फेस्टिवल का मौका होता है तो सभी रंग देखने को मिलते हैं। तो हैदराबाद की जनता का मैं खास तौर से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, इतना कॉपरेट किया उन्होंने हर जगह शांति से हर जगह भक्ति भावना से गणेश फेस्टिवल को उन्होंने निर्वाह किया। और साथियों मैं साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँ कि गणेश का इतना बड़ा बंदोबस्त जो कि शायद आसपास के स्टेट्स में या कंट्री में भी उसका एक स्थान है इतना बड़ा शायद कहीं नहीं होता। 57 फीट का फैदाबाद आयोजन और 30,000 आयोजन उस दिन हमारे निमंत्रण हुए तो वो एक पूरा टीम वर्क था उसमें उत्सव समिति और साथ में करीब करीब 15 से 20 गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जो दिन रात लगे उनमें से हर एक आदमी का अगर एक मिनट समय दी जाए तो हर डिपार्टमेंट का मैं नाम बोलना चाहूंगा। सबसे पहले तो हमारा चीफ डिप्टी अड़पड़ दगड़े उन्नार बीएमडी उन्नार विभुन्नू उन्नार मैनेजर का उन्नार जहां पर रोड खराब हो वायर का गड़बड़ हो जो भी उन्होंने हमारे दादा किशोर साहब ने अभी आज वो बिजी होने के कारण नहीं आए लेकिन हर समय पूरा सपोर्ट किया। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आरएनडी डिपार्टमेंट और हमारे पार्टनर साहब सब बैठे हैं। इस बार हम पहले ही बात कर लिए थे हमारे पुराना पहचान है करीम नगर का मैंने बोला था एक टीम बहुत दिनों बाद काम कर रहा था तो कोई शिकायत का मौका नहीं दीजिएगा। उसके अलावा वाटर वर्क्स को और छोटी छोटी जो कंट्रीब्यूशन एच एम डी ए से लेके सभी डिपार्टमेंट के सभी लोगों ने बहुत अच्छा किया। आप लोगों ने देखा होगा इम्प्रूवमेंट की बात करें तो इस बार जो नए लोग का जो एक्सपेरिमेंटेशन किया गया उससे सभी पंचनों को बहुत फायदा मिला होगा कि जो वेटिंग टाइम का बड़ा कम हुआ। डॉक्टर साहब आपको मैं बताना चाहूंगा और आप सब लोगों को कि इससे पहले जो एक आइडल के निमज्जन में मैडम 5-6 मिनट लगते थे इस बार 2 मिनट में हुआ, 1 घंटे में 25 आइडल निमज्जन हुए जिसकी वजह से क्या हुआ हमको पता है आप सब लोग भक्तजन जब भरते शुरू होते हैं टैंक मन तक आते आते थोड़ी बैटरी तो डाउन हो जाती है बीच में कितना भी स्वीट पंडाल हो कितनी भी बाजिका हो लेकिन फिर भी जो घर की रोटी है वो अलग चीज है। तो उस हालत में सिर्फ खड़ा होकर लाइन में वेट करना थोड़ा मुश्किल काम है, उसको सुगम बनाने के लिए उसको सहज बनाने के लिए और हमारे नरेंद्र कुमार साहब ने जो ट्रैफिक का बंदोबस्त किया था केंद्रीय तो उसके तहत बहुत लोगों को सुविधा हुई। इसी बात के मद्देनजर आगे आने वाले सालों में भी जो जो फील्ड हमने आइडेंटिफाई किए हैं जैसे एक चीज और की गई थी मोबाइल क्लिनिक इस बार
हमारे जीएचएमसी कमिश्नर साहब के सहयोग से ऑलमोस्ट डबल हुई है। इसी बार हमने पूरा यूसेज रिपोर्ट किया तो पिछली बार 59 डेज पर 106 106 जिससे कि किसी भी आइडल में ज्यादा तुम्हें वेट नहीं करना या हाथ से उठाने का नहीं होता। और उसी के तहत ये हुआ, देखिए कि पूरा 11 दिन का फेस्टिवल बहुत ही खूबसूरती से, ऐसा खूबसूरती से कि उस पर टीवी में यहाँ पे लाखों लोगों ने देखा और देश भर में करोड़ों लोगों ने देखा। तो कितनी शोभा से गणेश जी की शोभा निकली। तो जो शुरू में बात जब कही थी कि वो वीर विनाशक है, तो उन्होंने कही थी कि मैं ऐसा आशीर्वाद दिया कि रास्ते में कोई वीर नहीं आने दूंगा। तो बाकी हमारी पूरी टीम थी, हमारे सीपी साहब, हमारे डीजी साहब ने खुदा के एक मीटिंग ली, उनके मार्गदर्शन का, और सीपी साहब हर क्षण हर दिन लगभग हर मिनट पे कौन कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है डीसीपी से बात करके, एसीपी से बात करके फील्ड में घूम के सीपी साहब ने हर समय हम लोगों का उत्साह वर्धन किया, मार्गदर्शन किया। आप लोगों के भी पंडाल जो विजिट के दौरान जो भी छुट्टी होती चीजें कही उनको भी कहा गया। तो कुल मिला के बहुत ही एक बृहद टीम, एक विस्तारवादी टीम, जो ऐसी टीम की टीम जनरली छोटी होती है 5-6 लोगों से लेकर 10 तक, ये करीब करीब 1000-2000 लोगों की तो बाकी की टीम हुई, और पुलिस डिपार्टमेंट की आपकी 15,000 की टीम हुई और आप करती। तो उसके तहत जो पूरा एक बहुत ही जो एक सही तरीके से होना चाहिए भक्तिभाव से आनंदमय वातावरण, जिसमें कि किसी भी कारण से आपका आनंद भग्न न हो, आपके आनंद में भीड़ न हो, आपके भक्ति में भीड़ न हो, ये इस वातावरण में जो हुआ उससे सीख के हम आगे आने वाले सालों में आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की सलाह से, आप लोगों के दिए हुए सुझावों से और सुधार करेंगे और आगे आने वाले दिनों में एक इसको ऐसे लेवल तक लेके जाएंगे कि देश में से देश विदेश में से लोग यहाँ गणेश को देखने आए और हमारे फेस्टिवल करने के, हमारे त्यौहार करने के तरीके से कुछ सीखे। अंत में फिर एक बार आप लोगों द्वारा दिए गए अमूल्य सहयोग का, हैदराबाद की जनता द्वारा दिए गए अमूल्य सहयोग का और हमारे सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और हमारे सभी पुलिस कर्मियों की तरफ से मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि इस शहर पर गणेश भगवान की कृपा ऐसी हमेशा बनी रहे कि इस शहर के सब काम निर्विघ्न चलते रहे और आगे आने वाले दिनों में भी हम इसी तरीके से आनंद वातावरण में हर प्रश्न को उठा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश उत्सव का कार्यक्रम सेक्रेटरियट में मीटिंग बोला था, इस समय मीटिंग डिक्लेयर करने के बाद मीटिंग होने के पहले राज्य सरकार को चुनाव के लिए चले गए सरकार बर्खास्त हो काम चलाऊ सरकार। आज इस कार्यक्रम को लगाया चुनाव अधिकारी हस्तक्षेप करे, आज चुनाव का डिक्लेरेशन हो गया, पूरे उच्चतम अधिकारी लोग वहाँ के चुनाव के सभी काम में पूरे व्यस्त है। राज्य कला कमिश्नर साहब सभी लोग ये चर्चा कमिश्नर साहब सभी आ चुके हैं, समय वहाँ पर है। अभी मैं भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के अध्यक्ष इसे अनुरोध करूँगा कि इस अवसर पर కమిషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాడర్ మీటింగ్ లో గత 11 సంవత్సరాల నుంచి చూస్తున్నా
ये हमें आशा है। इतना धन्यवाद।
Condition in the distance. We are
पुलिस के काम के बारे में एक संदेश आया था।
वही है मेरा सुख करता दुख करता विघ्न हरता। हम लोग क्या है आपको मालूम है, गणेश हमारे सिद्धि सब हमेशा बोलते गणेश ने एनुअल एग्जाम है, एक बार एग्जाम हम पास हो गए तो पूरा जो साल है आने वाला वो सुकून से शांति से चला जाए। और बात बिल्कुल सही, इसलिए आपकी मेहनत करके समाज में जो घटक है उन सबको साथ लेके ये त्यौहार हम लोग मनाते हैं, बंदोबस्त अच्छी तरीके से करने की पूरी कोशिश हमारे रहती है। इस बार व्हीकल मोबिलाइजेशन के बारे में एक एडवांस में हमने कोशिश की थी कि आरटीओ और पुलिस के संबंधी जाके जो टस्कर चाहिए आप लोगों को टस्कर व्हीकल पहले ही मोबिलाइज करें, हमारे आरटीओ साहब भी यहाँ बैठे। उसी कारण जो पिछले साल हुआ था, पिछले साल कई कंप्लेंट्स आई थी हम लोगों के पास में कि जबरदस्ती हमारी गाड़ी उठा के लेके चले गए, कहाँ है गाड़ी मालूम नहीं, ड्राइवर का भी पता नहीं है, ड्राइवर का मोबाइल फोन भी बंद है। तो हम लोग भी डर गए थे क्या हुआ यहाँ पे, क्या कोई आपको मालूम है शहर में इससे पहले भी गाड़ी कोई लेके गया, इस तरह के जो वारदात है यहाँ पे हो चुके, इसलिए हम लोगों को भी पहले डर लगता था। लेकिन अभी इस साल काफी सुकून से जो व्हीकल मोबिलाइजेशन है खासकर टस्कर व्हीकल वो अच्छी तरीके से हम लोगों ने साथ मिलकर किया। और उसके बारे में सुझाव जो है वो भाग्यनगर गणेश मंडली की तरफ से आया था, हमारे चीफ जोन के डीसीपी रमेश रेड्डी साहब का भी स्वागत करते हैं। गणेश का जो 10 दिन है उसमें सबसे शुरुआत होने के पहले भी एडवांस में हम लोगों ने क्वार्टर मीटिंग किया था, और खासकर हमारा एलपी नगर एरिया जो है वो मलकपेट उस एरिया में काफी क्वार्टर मीटिंग हुए, डीसीपी लेवल पे एसीपी लेवल पे पुलिस स्टेशन लेवल पे भी ये क्वार्टर मीटिंग चले, उसी तरह काफी अच्छा क्वार्टर कर रहा। विनायक सागर में जितना गणेश विसर्जन होता है उसके बाद सेकंड वहाँ पे सरू नगर टाइम में होता है हमेशा, और इस बार हम लोगों को काफी डर था क्योंकि जो ग्रीन कलर जो हाइसिंथ है वो हाइसिंथ पूरा भरा हुआ करते निमज्जन के 3 दिन पहले तक इसको कौन हटाएगा ये चिंता थी। तो ये जब से कमिश्नर साहब से बात किया इरीगेशन के इंजीनियर लोगों ने वहाँ पे एक रोक बांध के पूरी तरीके से एक अच्छा अरेंजमेंट वहाँ सरू नगर टाइम पर किया, इसके कारण हमारा जो निमज्जन है आने वाले गणेश में मेरी ऑर्गेनाइजर से एक ही गुजारिश रहेगी कि अपना शहर जो है अब हम सब ने एक अच्छा रिवाज यहाँ पे लोगों को दिखाया कि डीजे तकरीबन डीजे नहीं था। मुझे पुणे से मुंबई से लोग फोन कर रहे थे, अरे तुम्हारे हैदराबाद में डीजे कैसा नहीं है, हाईकोर्ट मुंबई हाईकोर्ट का ऑर्डर है, हाईकोर्ट का ऑर्डर मुंबई का लेकिन हैदराबाद में डीजे नहीं है, ये उन लोगों ने देखा, उन लोगों को भी तो ये जो कोऑपरेशन है वो पक्का 100% कोऑपरेशन आने वाले दिनों में भी रहना, और मिलके हम आने वाले दिनों में जो कोई फेस्टिवल आएंगे वो पूरे फेस्टिवल पूरे सक्सेसफुली हम कंडक्ट करेंगे, फेस्टिवल के नाते उसको सब हम मनाएंगे और आपका कोऑपरेशन इसमें बिल्कुल रहेगा, यही उम्मीद करते हुए मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद। अपने अतिथियों का सम्मान किया जाता है, राज्यकर्ता का टीचर सर का सम्मान अध्यक्ष राघव रेड्डी जी,
प्रकार करने वाले ईश्वर देवी हैं। माननीय फादर्स आपी Right.